बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर बिज़नेस मैथ्स में हमारे पास चैप्टर 5 कंटिन्यू है और चैप्टर 5 के हमने बुक के मुख्तलिफ सवालात को सॉल्व किया है और आज भी हम बुक का एक सवाल जो 5.36 है उसे सॉल्व करने जा रहे हैं। देख लेते हैं इसमें हम क्या लॉजिक अप्लाई करेंगे। देखें, एक फ्रैक्शन यहाँ मौजूद है और ये एक नंबर मौजूद है, तो डेफिनेटली यहाँ 1 है, तो इन दोनों का एलसीएम लिया जाएगा। वही एलसीएम के कॉन्सेप्ट के साथ हम चलेंगे, 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 वन जै 2 होगा तो 1, 3x माइनस 5 प्लस यहाँ पर 1 2 जै 2 होगा 2 और ये ब्रैकेट में ये वाला 2 इक्वल टू 5x माइनस 4 अपॉन 2, राइट। देन उसके बाद ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 3x माइनस का 5 प्लस 2 टू जा 4 इक्वल टू 5x माइनस 4 डिवाइड बाय 2। अब ये दोनों आपस में 3x माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 5 माइनस 4 माइनस का 1 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 5x माइनस का 4 डिवाइड बाय 2। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी इनकी आपस में, तो 2 3x माइनस 1 इक्वल टू 2 5x माइनस का 4, 2 3 जा 6x माइनस 2 1 जा 2 इक्वल टू 2 5 जा 10x माइनस 2 4 जा 8। कॉन्स्टेंट एक तरफ ले जाइए और वेरिएबल एक तरफ ले आइए, तो 6x ये प्लस का है तो माइनस का 10x हो जाएगा इक्वल टू माइनस का 8, तो यहीं पर ही मौजूद है ये, उस तरफ जाके प्लस का 2 बन जाएगा। अब 6 माइनस 10 यानी 10 माइनस 6 ये हो जाएगा माइनस का 4x इक्वल टू 8 माइनस 2 आपके पास आ जाएगा माइनस का 6, राइट। ये माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा और x इज इक्वल टू 6 अपॉन 4 और इसी मुनासबत से 2 3 जा 6 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू यहां पर आ जाएगी 3 अपॉन 2, राइट। इस क्वेश्चन में x की वैल्यू निकली, सिंपल सा क्वेश्चन था, मगर हमने इस बात को अपना लिया है कि हम प्रैक्टिस करेंगे और भरपूर प्रैक्टिस करेंगे, इसलिए आपको मुख्तलिफ सवालात यहां पर सॉल्व करवाए जा रहे हैं। 36 के बाद हम चूज कर लेते हैं 5.37। 37 में कहते हैं 4x माइनस 2 डिवाइड बाय 3 प्लस 2x प्लस का 17 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल्स टू 7x माइनस का 3 डिवाइडेड बाय 2। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम यहां पर आ जाएगा, 3 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा 6। 6 एलसीएम आ गया हमारे पास, तो हमने यहां पर 6 एलसीएम ले लिया। 3 2 जा 6 होगा तो 2 4x माइनस 2 ये ब्रैकेट में आ जाएगी पूरी चीज प्लस एज इट इज 6 1 जा 6 2x प्लस का 17 इक्वल टू 7x माइनस 3 डिवाइड बाय 2। आगे बढ़ जाते हैं, अगले स्टेप में हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 4 जा 8x माइनस 2 2 जा 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2x प्लस का 17 7x माइनस 3 डिवाइड बाय 2। मजीद आगे बढ़ते हैं, 6 8 और 2 दोनों प्लस का है तो इसलिए दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 10x और ये माइनस है ये प्लस है तो ये हो जाएगा प्लस का 13, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 7x माइनस का 3 डिवाइड बाय 2 एज इट इज। इस स्टेज पर आकर हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे एक दूसरे के साथ, तो ये 2 इस तरफ आ जाएगा तो 2
टेन एक्स प्लस का 13 इक्वल्स टू 6, 7x माइनस का 3। क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 2 टाइम्स जा 20x प्लस 13 टू जा 26 इक्वल्स टू 42x, 6 थ्री जा 18। अब यहां फिर वही हम स्टेप जो है अपना लेंगे कि वेरिएबल एक तरफ कर दें, कांस्टेंट एक तरफ कर दें, तो ये हो जाएगा 20x और माइनस का 42x इक्वल टू, ये प्लस का था इस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा 26, ये माइनस का 18 तो यहां पर मौजूद है एज इट इज, और इस 26 को इस तरफ ले आएंगे तो ये भी माइनस का 26 बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 20 और 42 आपस में इनको हम माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 22x माइनस का इक्वल्स टू, ठीक है, इक्वल्स टू, और 18 और 26 ये हो जाएगा माइनस का 44। ठीक है, माइनस का ये दोनों, तो माइनस से माइनस साइन खत्म हो जाएगी, x इज इक्वल टू 44 डिवाइडेड बाय 22, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस हैं हमारे पास एक्सरसाइज 5 के चैप्टर 5 के, जिनमें वैल्यू ऑफ x कैलकुलेट करनी है, जो हमने अभी सवालात किए हैं और इससे पहले भी हमने इसके सवालात को सॉल्व किया है, इनमें बहुत सारी जगहों पर आपने इस बात को जज करना है कि सवाल में सिंप्लीफिकेशन वहां तक की जाएगी जहां तक पॉसिबल है। जैसे कि इस क्वेश्चन में ये फ्रैक्शन आ गया 3/2, अब ये मजीद कैंसिल आउट नहीं हो सकता, तो बस यहीं तक लाके इस क्वेश्चन को छोड़ दिया जाएगा और यही वैल्यू ऑफ एक्स कैलकुलेट हो जाएगी। वहां पर राउंड फिगर निकल के आ गया तो हम राउंड फिगर ले लेंगे, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है हमने कि जहां एलसीएम लिया जाएगा वहां एलसीएम लेंगे हम, और डेफिनेटली इसमें सवालात जो है वो कुछ इसी किस्म के, ऑपरेशन ऑफ ब्रैकेट है, ब्रैकेट्स को किस तरतीब से सॉल्व करना है, और उसके बाद मल्टीप्लीकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन के रूल्स अप्लाई हो रहे हैं कि हमने वो तमाम रूल्स फॉलो कर रहे हैं कि जो इस हवाले से मौजूद हैं। यहां पर भी वही रूल है कि जहां एक फ्रैक्शन था लेकिन दूसरा फ्रैक्शन नहीं था तो कंसिडर कर लिया कि यहां पे वन मौजूद होगा, इसलिए यहां पर हमने एलसीएम कैलकुलेट करा। तो स्टूडेंट्स इस बात को ध्यान में रखें कि हमने ये सवालात अपनी प्रैक्टिस पे लाने और इन सवालात को बार बार प्रैक्टिस करना है ताकि जो भी हमारे कमी है प्रैक्टिस के करने से उस कमी को दूर किया जा सके। आपको अपना असाइनमेंट रेगुलर बेसिस पर करना है, अगर रेगुलर बेसिस पर असाइनमेंट नहीं सॉल्व करेंगे तो आपके लिए ये बर्डन हो जाएगा। तो हमारे लिए इस वीडियो में इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि जो सवाल की रिक्वायरमेंट है और सवाल की जो मेरिट है वो क्या कहती है। मैं इस बात का जिक्र अपनी वीडियो में मुतअद्दिद बार कर चुका हूँ कि हमने सवाल को उसके मेरिट पर सॉल्व करना है, और ये ज़रूरी नहीं है कि सवाल हर बार फ्रैक्शन फॉर्म में ही हो, वो सवाल ब्रैकेट्स की फॉर्म में भी हो सकता है, कंटिन्यू विदाउट डिनोमिनेटर हो सकता है, लेकिन हमें उसमें इस बात का हमें मालूम होना चाहिए ये बात कि हम जो ब्रैकेट का ऑपरेशन करेंगे वो किस तरीक़ेकार से करेंगे, लाजमन वो रूल फॉलो करना है, वो रूल हमें मालूम होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं और इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम अगले क्वेश्चन के साथ आएंगे, और इस बात की उम्मीद करते हैं कि आप इन क्वेश्चंस को रेगुलर बुनियाद पर अपनी प्रैक्टिस पर ला रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें और कोई इशू आए तो उसे लाजमन डिस्कस कीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।